प्योर सिल्क के ऊपर है, और ये जो जरी है ना, ये नॉर्मल जरी नहीं है, ये कॉपर जरी आती है। ये फिगर मोटिव वाली साड़ी है, इसलिए इंडिया के मोस्ट ऑफ द स्टेट में चलेगी, क्योंकि हम चीजें ऐसी बनाते हैं सर ऑल ओवर इंडिया वाले। इस तरह की हेवी जाल कॉन्सेप्ट की बनारसी साड़ी भी ली है, और इस तरह जो हमारे उत्तर भारत में ज्यादा पसंद की जाती है, इस तरह के सॉफ्ट सिल्क साड़ी जो लेडी पहनना पसंद करते हैं उनके लिए परफेक्ट। बस मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप सोच रहे हैं अच्छी साड़ी आपको चाहिए, क्वालिटी बेस्ड साड़ियाँ चाहिए, सो यू कैन कम टू पनिगा इंडिया, क्योंकि हमने अभी शुरू किया है रिटेलर को कपड़ा देना, क्योंकि आपको सही क्वालिटी में कपड़ा मिले मैन्युफैक्चरर के पास से। और सर काम इतना हैवी है, अगर हम नॉर्मल नेट का इसमें इस्तेमाल करते ना तो ये नेट इस काम को झेल नहीं पाता। सर ये वो साड़ियाँ हैं जो मैं अगर अच्छे से रिटेलर जो दुकानदार हैं या फिर शोरूम वाले हैं, इसी साड़ी को अच्छे से बॉक्स में रख के साड़ी 10-10 हजार में, 12-12, 15 हजार में बेचते हैं ये साड़ी। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी को एक बार फिर से ले आया हूँ पर्निका इंडिया में। यहाँ पे आज के वीडियो में जो भी कलेक्शन दिखाया जाएगा वो बनारसी साड़ी का कलेक्शन रहने वाला है। वेरायटी काफी जबरदस्त और फैंसी होने वाली है। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, आप COD के थ्रू यहाँ से परचेज कर सकते हो। मिनिमम जो ऑर्डर रहने वाला है 15-20 हजार का रहने वाला है। तो यहाँ पे डिटेल में हम एक बार जानकारी लेते हैं, मिलते हैं वैष्णवी मैम से, जो कि हमें डिटेल में बताएगी किस हिसाब से आप यहाँ से परचेज कर सकते हो। तो मैम स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। थैंक यू वेरी मच, वेलकम टू पनिका इंडिया। जी मैम, बढ़िया मैम। तो मैम एक बार हमें जानकारी दे दीजिए, इस वीडियो में क्या देखने को मिलने वाला है? सर ये वीडियो खास होने वाला है। अब कारण क्यों? आप कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक किसी भी लेडी का कबर्ड देख लीजिए, उनकी पेटी ओपन करके देखिए, बैग देख लीजिए, एक फैब्रिक उनमें कॉमन मिलेगा, क्या? सिल्क साड़ी। बिल्कुल जी हाँ, यंग जनरेशन हो या ओल्ड जनरेशन, बस सिल्क की साड़ियाँ हर एक लेडी की जान होती है, हर एक फेस्टिव सीजन के लिए वो परफेक्ट ओकेशन होती है। सो इसका फायदा पता है कौन उठा सकता है? एक रिटेलर। सही बात है। ऑलरेडी ये बिजनेस हजारों लोग कर रहे हैं, और फन फैक्ट हजारों लोग मार्जिन कमा रहे हैं। सो क्योंकि इसकी इतनी डिमांड है, ये सिल्क साड़ी साउथ में चलेगी, ये नॉर्थ में चलेगी, ये हमारी ईस्ट में भी चलेगी और वेस्ट में भी चलेगी, ऑल ओवर इंडिया में ये चीज बिकने वाली है। तो क्यों ना आप भी अगर सोच रहे भाई हम किस चीज में इन्वेस्टमेंट करें, हमारे पास पैसे हैं लेकिन हम चाहते हैं कि कौन सा बिजनेस मॉड्यूल फॉलो करें, ट्रस्ट मी, क्लोथ इंडस्ट्री, दिस टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज बूमिंग इंडस्ट्री, ये हाईएस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है, क्योंकि कपड़ा ऐसी चीज है सर, इसकी डिमांड कभी खत्म नहीं होगी। जब तक मानव इंसान इस धरती पर है तब तक कपड़ा बिकेगा। ये तो सही बात है। आपको क्या करना है भाई, ऐसी चीज में इन्वेस्टमेंट करनी है जो हमेशा चले। एग्जांपल देखिए, ये सॉफ्ट सिल्क की साड़ी। बिल्कुल। अब कोई लेडी अगर हमें देख रही है, मेजर प्रॉब्लम क्या होती पता है कि कोई भी लेडी की कपड़ा फूल जाता है, जो हैवी लेडी होती है, थोड़े ओवरवेट होता है, उनको क्या प्रॉब्लम होती है, सिल्क की साड़ियाँ फूल जाती है, सो वो और ज्यादा बल्की लगते हैं। लेकिन जब ये इस तरह के सॉफ्ट सिल्क साड़ी जो लेडी पहनना पसंद करते हैं उनके लिए परफेक्ट है, क्योंकि स्किन टाइट रहती है, एक ब्रीदेबल फैब्रिक होता है, ये फूलता नहीं है। एग्जाम्पल मैं इसके अंदर फॉर्म रखा है, फिर भी देखिए सॉफ्ट, ये साड़ी को मैं इस तरह मोड़ रही हूँ, लुक, ये सॉफ्ट सिल्क बेस की साड़ी है, इसके अंदर कागज और है जिसकी वजह से प्रॉपर मैं फोल्ड नहीं कर पाई, देखिए इसके अंदर कोई रिंकल्स नहीं आए। सही बात है। सो ये होती है सॉफ्ट सिल्क साड़ी की खासियत। अब मैम जैसे मैं यहाँ पे बात करूँ, अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे, यहीं पे डिजाइन होता है सब कुछ? यहाँ पर हमारे सैंपल एरिया है, हमारी मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट है यहाँ से कुछ 30 किलोमीटर दूर है, बिकॉज टेक्सटाइल इंडस्ट्री में एक होती है चीज की फैक्ट्री एरिया आउट होता है, सेलिंग एरिया अलग होता है और रेसिडेंशियल एरिया अलग होता है। मैं आपको ट्राई करूंगी कि इसके फोटोज, वीडियोस और क्लिप्स प्रोवाइड करूं, जिससे आपको आइडिया आए कि ये रियल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। सही बात है सर, इतनी ज्यादा क्वांटिटी सिर्फ एक मैन्युफैक्चरर बना सकता है। बिल्कुल, वो तो सामने देख के पता लग ही जाता है। ये फर्म आजकल की नहीं है, 4-5 साल से नहीं है, सिंस 1984 1984 से ये कंपनी एस्टैब्लिश है। सो बहुत सालों से ये कंपनी रन हो रही है, और इतने सारे लोग, 50,000 से ज्यादा होलसेलर्स और डीलर्स हमसे जुड़े। सर मैंने रिटेलर नहीं कहा, मैंने होलसेलर डीलर कहा, जो उनके रिटेलर्स को कपड़ा देते हैं, जैसे ये साड़ी है। सर मेरी रिक्वेस्ट, आप थोड़े इस साइड से आ जाइए, मैं इस एंगल से चीज दिखाना चाहती हूँ। जैसे सर ये एक साड़ी। बिल्कुल। ये साड़ी के कलर्स देखिए, क्वांटिटी देखिए। सो हमारे होलसेलर्स क्या करते हैं पता है, सेम कलर सेम डिजाइन की 10 साड़ियाँ, एक कलर 10, दूसरा कलर 10 साड़ी, तीसरे कलर की 10 साड़ी, चौथे कलर की, इस तरह वो 10 कलर लेंगे तो 10 सेट बनाएंगे और अपने कस्टमर को सेट वाइज कपड़ा प्रोवाइड करेंगे। बिल्कुल। और हम देते हैं, देते थे पहले ओनली डीलर्स को, डायरेक्ट रिटेलर को पूरे सूरत मार्केट में कोई कपड़ा नहीं देता है मैन्युफैक्चरर से, ट्रेडर बहुत देंगे। ये तो सही बात है। बिल्कुल। और हमने ये चीज शुरू की है सर अभी अभी, आपने बहुत ज्यादा यूट्यूब पे हमारे वीडियोस नहीं देखे होंगे, अभी देख रहे हैं, क्योंकि हमने अभी शुरू किया है रिटेलर को कपड़ा देना, क्योंकि आपको सही क्वालिटी में कपड़ा मिले मैन्युफैक्चरर के पास से, ये चीज बहुत जरूरी है। एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री
को ग्रो करने के लिए। ये तो सही बात है। आने वाले वक्त में सर चांसेस है कि सूरत जो है हमारे इंडिया का जो मोस्ट सेवन पार्क बन रहे हैं टेक्सटाइल पार्क, उसमें से एक हो सकता है। सो यहाँ से जुड़ने के बहुत सारे फायदे हैं। बिल्कुल। सो बस मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप सोच रहे हैं अच्छी साड़ी आपको चाहिए, क्वालिटी बेस्ड साड़ियाँ चाहिए, सो यू कैन कम टू पन्नीका इंडिया। डिस्क्रिप्शन में एड्रेस है, सूरत रेलवे स्टेशन से 5 मिनट की दूरी पर कुबेजी टेक्सटाइल पार्क की एफ टावर में। जी मैम, और यहाँ पे मेरे को सबसे अच्छी बात यहाँ पे विजिट करने में ये लग रही है कि यहाँ पे सेट वाइज परचेज करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पे अगर आपको जो भी आइटम लेना है वो एक एक आइटम सिलेक्ट डिजाइन वाइज आप कलर वाइज सिलेक्ट करके भी आप यहाँ से ले सकते हो। तो मैम से यहाँ से मैं पूछूंगा, मैम इसके बारे में बताइए, जो सेट वाइज या फिर मतलब एक एक सिंगल कलर किस हिसाब से यहाँ से परचेज किया जा सकता है। एग्जाम्पल, ये लाल रंग की साड़ी है, आपको लगता है मेरे एरिया में लाल बिक जाएगा, बिल्कुल। आपको लगता है मैम गुलाबी भी बिक जाएगा, लेकिन आपको लगता है मैम ये हरे रंग की डिजाइन शायद मेरे एरिया में नहीं बिकिया, ये कलर नहीं बिकेगा, ये डार्क ग्रीन बिक जाएगा, तो मैं क्या सेट तोड़ के माल ले सकता हूँ? बिल्कुल। ये दो साड़ी ले ली, भले ये 4 पीस का सेट है, आपने इसमें से 2 ले ली, इसमें से 3 कलर ले लिए, ऐसे खुद का सेट बना के कपड़ा ले सकते हैं। इवन देखिए हमारे मैम यहाँ परचेसिंग कर ही रहे हैं। जी मैम, वो सैंपल देखने आए हैं, नीचे सैंपलिंग रूम में हमारी टीम उनका हेल्प करेगी। सो इस तरह आप भी यहाँ पर आइए, एक बार कपड़ा देखिए, गारंटी देती हूँ क्वालिटी बेस्ड इसके अलावा और कहीं नहीं मिलेगी। सो सर ये प्लस पॉइंट है, सेट तोड़ के माल मिलता है, सीओडी के थ्रू कपड़ा मंगवा सकते हैं। अब एक नई प्रोडक्ट आपको मैं यहाँ दिखाऊंगी, ट्रस्ट मी ये ऐसी चीज है जो बहुत खूबसूरत है। एंड सर मेरी रिक्वेस्ट, आप एक बार कपड़े को हाथ में फील कीजिए, फैब्रिक प्योर सिल्क के ऊपर है, और ये जो जरी है ना सर, ये नॉर्मल जरी नहीं है, ये कॉपर जरी आती है। 3 से 4 टाइप की जरी आती है, सिल्वर जरी, गोल्डन जरी, कॉपर जरी, चूहा जरी, इस तरह अलग अलग टाइप की जरी आती है। एक सिंथेटिक जरी भी आती है, लेकिन हमने जो इसमें यूज किया जो अच्छी क्वालिटी की कॉपर जरी आती है उसका, बिल्कुल इसे साड़ी का एक नया और एलिगेंट सा लुक क्रिएट हमने किया है। एंड इसके कलर ऑप्शन एंड डिजाइन बहुत से अवेलेबल है, सेम इसी पैटर्न में। हाँ, सेम इसी पैटर्न में। अब बहुत से कस्टमर्स का ये होता है कलर थीम होता है, राइट। अब आपके यहाँ कोई फंक्शन है और आपके फंक्शन में आपको 20-25-30 साड़ियाँ चाहिए है, लेकिन मैम हमें सेम कलर के अलग डिजाइन चाहिए। सो ये हमने ब्लू देखी जाल कॉन्सेप्ट में, ओके। ये ब्लू जो हम अभी देख रहे हैं ये 1000 भुट्टा कॉन्सेप्ट में, राइट। सो है तो ब्लू बट डिजाइन चेंज है, डिजाइन चेंज है, इवन से फैब्रिक देखिए जरी भी चेंज है, ये कॉपर जरी है, ये गोल्डन जरी है। सो इस तरह आप खुद के कलर चॉइस कर सकते हैं, डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं। बिल्कुल। तो मैम अगर बात करें बनारसी, ओनली बनारसी में कितनी वेरायटी अपने पास मिलेगी? मोर देन 400 कैटेगरीज है ओनली बनारसी में। जस्ट से कैटेगरीज, उसमें जो सब कैटेगरीज आते हैं लाइक फ्लावर चेंज, कलर वेरायटी चेंज, वो तो बहुत से। राइट, आगे थोड़ा बढ़ते हैं, मैं ग्रीन कलर दिखाती हूँ आपको। नाउ ये फिगर मोटिव वाली साड़ी है, इसलिए इंडिया के मोस्ट ऑफ द स्टेट में चलेगी, क्योंकि हम चीजें ऐसी बनाते हैं सर ऑल ओवर इंडिया वाली, जो पूरे इंडिया में बिके। क्योंकि आप अगर ऑनलाइन कपड़ा बेच रहे हैं ना, ऑनलाइन रीसेलिंग कर रहे हैं कपड़ा यहाँ से लेकर ऑनलाइन बेच रहे हैं, तो भी आप कपड़े को आराम से वहाँ से बेच सकते हैं। बिल्कुल। अब आजकल ट्रेंड में चलने वाली साड़ी सिल्वर जरी, हम एक चीज तो बिल्कुल नहीं भूल सकते, डिजाइनर बॉलीवुड साड़ी जो हाईएस्ट मार्जिनेबल होती है। और देखिए ये साड़ी मैंने थोड़ी आपको अगर दिखाऊं, ये देखिए नेट बेस में रहेगी, ये फुल नेट, और सर काम इतना हेवी है, अगर हम नॉर्मल नेट का इसमें इस्तेमाल करते ना तो ये नेट इस काम को झेल नहीं पाते। मैं चाहती हूँ कि आप क्लोजअप में थोड़ा दिखाएं, एकदम हेवी नेट। ये देखिए मैं इस नेट को यहाँ से खींच रही हूँ ना, ये देखिए कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, मैं इतना टाइटली इसको खींच रही हूँ क्योंकि अच्छी क्वालिटी का है। सो हम जो भी कपड़ा यूज करते हैं प्रीमियम क्वालिटी, बिल्कुल। चलिए यहाँ से मैं दिखाना चाहती हूँ, ये ना पार्सल लगे, ये हमारे कस्टमर है छोटी सी जैसे शुरुआत कर रहे हैं घर से, उनका छोटा सा पार्सल लगा है करीबन 25-30 साड़ियों का। तो जरा इसको देखिए किस हिसाब से उनका सिलेक्शन हुआ है। उन्होंने मेजरली सिलेक्ट की है सिल्क की साड़ियाँ, ओके ओके। एट द सेम टाइम यहाँ हमारे कस्टमर है, ये शॉप शुरू करने वाले हैं साउथ इंडिया में, सो उन्होंने कपड़ा ऐसा लिया है जो मैक्सिमम है सभी वैरायटी में, सेगमेंट के ऊपर भी काफी ज्यादा स्टेबल रहने वाले हैं, इसलिए उन्होंने पूरे इंडिया का टेस्ट लिया है। सही बात है। ये इस तरह की हेवी जाल कॉन्सेप्ट की बनारसी साड़ी भी ली है, और इस तरह जो हमारे उत्तर भारत में ज्यादा पसंद की जाती है इस तरह की साड़ी भी ली है, मतलब सभी वैरायटी ली है। सभी वैरायटीज ली है, सही बात है, प्रीमियम सेगमेंट की। तो ये हमारे कस्टमर का पार्सल है, हमारे कस्टमर को सभी चीजें पॉलीथिन में चाहिए, तो ये देखिए पॉलीथिन में पैक होके जा रहा है। अब इस साड़ी में आप नोट करेंगे कि सभी डिजाइनर है, ये भी डिजाइनर है, इसके नीचे वाला एक और कलर लिया है मैम ने, इसके 3 कलर लिए हैं, नीचे वाले सेट के उन्होंने 2 कलर लिए हैं, इसमें उन्होंने सारे कलर्स लिए हैं, बिल्कुल। सो इस तरह, और इसमें उन्होंने सेम 2 कलर लिए हैं, राइट। सो मतलब इस तरीके से वैरायटी बनाई जा सकती है,
यहाँ पे देखिए हमारे कस्टमर ने सेम कलर सेम उसके अलग अलग डिजाइन का पूरा एक गट्ठा मंगाया है। ये देखिए सामने ये इसी का पैक हो रहा है। बिल्कुल। अब किसी ने सेम कलर सेम डिजाइन क्यों मंगाए होंगे, तो मेरी रिक्वेस्ट आप इस एंगल से दिखाएं, सेम कलर सेम डिजाइन क्यों मंगाए होंगे। अब वो क्या करेंगे, इसका सेट बनाएंगे, खुद बनाएंगे, ये एक कलर ये एक कलर ये कलर, इस तरह सारे कलर्स का मिलके एक सेट बनाएंगे और अपने कस्टमर को सेट वाइज देंगे। सही बात है, वो अपने हिसाब से सेट बनाएंगे, अपने हिसाब से सेट, राइट। जो होता है होलसेल, हम है मैन्युफैक्चरर, हम देते हैं कपड़ा होलसेलर को, फिर होलसेलर डीलर को, डीलर एक मीडिएटर को, मीडिएटर फाइनली रिटेलर को देता है। सही बात है। समझिए हमने रिटेलर को कपड़ा देना शुरू किया है, तो आपके लिए सोचिए कितना फायदेमंद है। तो मतलब यही बेनिफिट की बात है, राइट, बिल्कुल। सर ये वो साड़ियाँ हैं जो मैं अगर अच्छे से लाइक रिटेलर जो दुकानदार है या फिर शोरूम वाले है, इसी साड़ी को अच्छे से बॉक्स में रख के साड़ी 10-10 हज़ार में 12-12-15 हज़ार में बेचते हैं। ये साड़ी, यही वाली साड़ी, यही साड़ी, मैं हमारे नाम नहीं बता सकती, बहुत बड़ी ब्रांड है, उन्होंने एक्चुअली 15,999 में ये साड़ी का प्राइस टैग लगाया था। बिल्कुल। सो ये ऐसी चीजें हैं जो प्रीमियम है, इन्हीं सब चीजों में जो कि मार्जिन कमाया जाता है, मार्जिन कमाई जाती है। प्रिंटेड सिंथेटिक साड़ी ऐसी होती है जिसमें मार्जिन नहीं होता। टू बी ऑनेस्ट, आप 100 रुपए की साड़ी में 200 रुपए की साड़ी में मार्जिन नहीं कमाते, उससे बिजनेस नहीं होता, उससे कस्टमर को अट्रैक्ट करते हैं। आप अपने रिटेल काउंटर पे रख के कस्टमर को बोल सकते हैं भाई हमारे यहाँ अच्छी साड़ी भी है, हमारे यहाँ जो लो साड़ियाँ हैं वो भी है। कस्टमर पता है ये वो चीज देखने आएगा, ये चीज नजर में अच्छी लगेगी, ये लेके जाएगा। सही बात है। और एक लेडीज में एक टेक्निकल चीज होती है, नॉट जस्ट लेडीज बट सब में, एज अ ह्यूमन बींग वी हैव वन फीलिंग, एक फीलिंग आती है फोमो, मीन्स फीलिंग ऑफ मिसिंग आउट। अब आपकी यहाँ पर ये चीज है, कोई लेडी को ये चीज पसंद आ गई, कोई न्यू जनरेशन ओल्ड जनरेशन पसंद आ गई, right. अब उनके मन में क्या होगा, भाई साड़ी है लेकिन मैं आज अफोर्ड नहीं कर सकती, लेकिन हाँ 10-15 दिन बाद एज अ लेडी हमारे मन में ये कंटिन्यूस थॉट्स रहते हैं, भाई वो साड़ी बिक तो नहीं गई होगी, भले 15 दिन बाद पैसे जमा करके लेने तो आते हैं। सो अगर चीज अच्छे रखेंगे तो बिकेगी, रखेंगे नहीं तो बिकेगी कैसे। सही बात है। और बिकेगी रखेंगे नहीं तो मार्जिन किसमें ऐड ऑन करें, और वो पता नहीं रहता कि कौन सी चीज कब बिक जाए। हाँ सही बात है। चीजें, मेरी रिक्वेस्ट है एक बार सर आप पूरा एक बार लुक दिखा दीजिए। जी मैम। इस तरह चांद तारों वाली लुक देने वाली जो साड़ियाँ हैं वो भी है थोड़ी सोफिस्टिकेटेड। तो यहाँ पे अगर ओवरऑल बात करें, वैरायटी साड़ी की कमी नहीं रहने वाली, काफी सारी वैरायटी रहने वाली है। बेसिकली जो वीडियो आज का कॉन्सेप्ट था वो सिर्फ बनारसी और सिल्क बेस का था। जी मैम, आइडिया देने के लिए मैंने मैक्सिमम चीजें दिखाई। बिल्कुल। मन में कोई सवाल है तो वीडियो कॉल के थ्रू हमारी टीम से बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, वो आपको हेल्प करेंगे। जी मैम। पर्सनली यहाँ आना है तो डिस्क्रिप्शन में पता है, रविवार छोड़ के आप सुबह 10 से शाम के 7 के बीच में मंडे टू सैटरडे कभी भी आ सकते हैं। ऑनलाइन ऑर्डर आप हमारी टीम से कोऑर्डिनेट करके कर सकते हैं, मिनिमम 15 से 20 हज़ार का ऑर्डर होना जरूरी है। जी मैम।